हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको ट्राई करिए और देखिए कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि आपने कितना टाइम लिया, तो आपको टाइम भी नोट करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो इज द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, देयर इज ओनली 4% सिटिंग बिटवीन एम एंड एन। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो भाई मेरे से कह रहा है सिर्फ देयर आर ओनली हाउ मेनी पर्संस, 4% बिटवीन एम एंड एन, तो वी विल गेट उन हाउ मेनी केसेस लाइक एम 1, 2, 3, 4 एंड एन। एक होता है कि अब एन 1, 2, 3, 4 करके एम लिख सकते हो, है ना। उसके बाद कहता क्या है, देयर इज ओनली 3% बिटवीन पी एंड एस हु इज़ अ इमीडिएट नेबर ऑफ एन। देखो अब इमीडिएट नेबर बोला है तो लेफ्ट नेबर है इमीडिएट की राइट नेबर है एन का, हमें ये भी नहीं मालूम। तो एस और इसी की ही बात करके 1, 2, 3, 4, 5 एन और एस, इसी की ही बात करके 1, 2, 3, 4 एम एस और एस, पी सिट्स राइट ऑफ एन, ठीक है। देयर इज ओनली 3% बिटवीन पी एंड एस एंड पी इज राइट साइड ऑफ एन, तो एन है और एस ही है, तो एस, तो एस और पी में 3 लोग 1, 2, 3 कितने आ जाएंगे पी, और एन के राइट साइड में ही पी है, बिल्कुल 1, 2, 3 एन के राइट साइड में ही पी बैठा लेना है 1, 2, 3 एस से लेके 1, 2, 3 का, कि या क्या यहाँ पे पी आ पा रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल हटा दोगे तुरंत 1, 2, 3 करके पी, ये मेरी बातें निकल के आएंगी। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एन एंड पी इज सेम एज आर एंड पी, सो एन एंड पी के बीच में 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3, 4 करके आर, एन और पी के बीच में 2 तो 1, 2 करके आर, एन और पी के बीच में 2 तो पी और आर के बीच में 1, 2 करके आर, बात सही है। There is only 3% between T and W. ठीक है, अब हमें अभी यहाँ तक तो कुछ मालूम नहीं है, There are 3% between T and W. लिखना चाहो तो एक साइड में लिख लो अपनी कॉपी में, T sits third to the left of the one who is immediate right of R. तो R के immediate right में कोई एक person है, इसके रिस्पेक्ट से जो T है वो कैसा है third left में है, 1, 2, 3 T यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई है 1, 2, 3 टी यहाँ आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट से, इसके यहाँ पे कोई ना कोई है तो 1, 2, 3 टी बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, और टी और डब्ल्यू के बीच में 3% है, तो वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है राइट साइड भी हो सकता है डब्ल्यू, पर कुछ तो बातें दी होंगी। आगे देखते, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टी एंड पी इज सेम एज एस एंड यू, टी एंड पी इज सेम एज एस एंड यू, U sits between M और N, N और M ये है, M और N ये है, M और N ये, तो U आपके इन्हीं के बीच में आना चाहिए था, और ऐसे आना चाहिए था कि जितने T और P के बीच में उतने ही S और U के बीच में, P और T के बीच में कितने लोग हैं 0, तो S और U के बीच में यहाँ U आ जाएगा, P और T के बीच में 2 लोग तो S, 1, 2 करके U यहाँ आ जाए, क्योंकि उतना हमें M और N के बीच में U को डालना है, P और T के बीच में कितने हैं 0 हैं, तो S और U के बीच में भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम U लिख देंगे तो ये U M और N के बीच में थोड़ी ना आ पा रहा है, तो ये भी केस गलत, तो लास्ट के 2 ही केस जो ऊपर बनाए वही मेरे सही हैं, इन दोनों को हटा दे कोई ज़रूरत नहीं है, देखा किस तरीके से हट गया तुरंत। आपको अपना टाइम ज़रूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, मैं सबका टाइम देखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। W sits second from one of the end, अब जब W को second from one of the end बैठाना है और T और W के बीच में क्या बोला था, T और W के बीच में 3% 1, 2, 3 तो T ऑलरेडी यहाँ पर 1, 2, 3 करके W को यहाँ वाले पर, और ये सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है राइट एंड से, 1, 2, 3 W को लिख के सेकेंड फ्रॉम राइट ऑफ द एंड हो गया, तो राइट एंड पर चीज़ें मैंने फिक्स कर दी हैं, लेफ्ट एंड की अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो W sits, अच्छा V sits exactly between M and S, अच्छा M और S के exactly between में V आएगा, तो यार 1, 2 करके इस पोजीशन पे तो V को आना चाहिए था, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, माजरा गलत,
एम और एस के बीच में तीन लोग हैं तो वी आपका कन्फर्म यहाँ आ जाएगा। बोला है देयर इज ओनली टू पर्सन बिटवीन वी एंड एक्स हु इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द वी वन टू और एक्स, तो ये हो गया और ये सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है तो मतलब लेफ्ट एंड से सेकंड पोजीशन आपके सामने ये दें। देखिए टोटल डिपेंड करता है आपकी रीडिंग, अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी रीड करेंगे तो आप इसको आराम से 2 से 3 मिनट में निपटा देंगे और मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों का वेट करूंगा। आपके लिए मिनिमम टाइम ये है, मैक्सिमम टाइम ये है और अगर आप इससे ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं तो आप स्लो हैं, यू नीड माई क्लास फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं @RohitSir rohitsirreasoning। ओके, टेलीग्राम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।